Hi friends, यह है Redmi Note 5 Plus. मैंने इस पे आज Google Pixel Android Pie Experience ROM फ्लैश की है. आप यहाँ से देख सकते हैं Redmi Note 5 Plus PPR Experience This PPR 2 18005 Android Version 9. ये एंड्रॉयड वर्जन 9 पे चल रहा है. बहुत ही स्मूथ रोम है. इसका सिक्योरिटी पैच 5 अक्टूबर 2018 है और कर्नल वर्जन जीनोम एंड्रॉयड है. इसको फ्लैश करना बहुत ही आसान है. मैं अभी इसके कुछ फीचर्स आपको बता देता हूँ. इसमें आपको क्विक सेटिंग्स में ये फीचर्स आपको मिल जाएंगे. टॉर्च, बैटरी, ग्रे स्केल, और यहाँ पे आप इसको एडिट भी कर सकते हैं. अब मैं नेक्स्ट इसकी स्पीड की बात करूँगा तो ये बहुत ही स्मूथ रोम है और MIUI 9 और 10 से कहीं बेटर है. इस पे मैंने गूगल कैमरा भी इंस्टॉल किया है जो कि बहुत ही परफेक्टली वर्क करता है. इस पे अगर आप देखें तो ये पोर्ट्रेट मोड में भी शूट किया जा सकता है. पोर्ट्रेट मोड काम करता है इसका और बहुत ही अच्छा काम करता है. आप देख सकते हैं. अब इसको फ्लैश करना बहुत ही आसान है. आप इस वेबसाइट पे जाएं www.pixelexperience.com. आप इस वेबसाइट पे जाएं, पिक्सेल एक्सपीरियंस, यहाँ पे अपनी डिवाइस का नाम टाइप करें, Redmi Note 5 और Redmi Plus. इंडिया में इसको Redmi Note 5 से लॉन्च किया गया है लेकिन इंटरनेशनली इस मोबाइल को Redmi 5 Plus से लॉन्च किया गया है. यहाँ पे अगर हम Redmi 5 Plus Wins लिखेंगे तो ही ये हमको सही रोम हमारे मोबाइल की निकाल के देगा. ये देखिए Redmi 5 Plus Wins सपोर्टेड वर्जन पाई ओरियो एंड्रॉयड पाई. ये इसका 24 अक्टूबर 2018 का zip फाइल है. आपको इसको डाउनलोड करना है अपने फोल्डर में. अब मैं फोल्डर में जाता हूँ. SD कार्ड में आप डाउनलोड कर सकते हैं या अपने PC में डाउनलोड कर सकते हैं. मैंने इसको अपने SD कार्ड पे डाउनलोड किया हुआ है. अब आपको मोबाइल को TW रिकवरी मोड पे लेके जाना है. उसके लिए बहुत ही आसान है. पहले आप शट डाउन कर दें अपने मोबाइल को, फिर आप अपने मोबाइल का पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन, पहले वॉल्यूम अप बटन फिर पावर बटन एक साथ दबाएं तो ऐसी स्क्रीन गूगल का लोगो आपके सामने आ जाएगा. अभी थोड़ी देर में हम TWRP रिकवरी में फ्लैश कर जाएंगे. ये TWRP रिकवरी ये मैंने अलग से फ्लैश किया हुआ है. इसके बारे में अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा. अब यहाँ पे आपको वाइप करना है इस तरह. यहाँ पे आप जो पिछली रोम से आ रहे हैं वहाँ से आपको फॉर्मेट डाटा करना है. YPS मैंने किया हुआ है, दैट्स इट. उसके बाद एडवांस वाइप, डेल्विक, सिस्टम, डेटा, कैश एंड स्वाइप, दैट्स इट. और कुछ नहीं इसमें करना. ये करके आपको जस्ट इंस्टॉल करना है. यहाँ पे आपको स्टोरेज सिलेक्ट करनी है, माइक्रो SD, और अपनी फाइल
सिलेक्ट कर लेंगे। ये है पिक्सेल एक्सपीरियंस 9 मेरी फाइल, और इसको जस्ट कन्फर्म टू फ्लैश, दैट्स इट। और उसके बाद हम रिबूट करेंगे और अपने रोम में आ जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।